पिछले कुछ समय से बॉलीवुड गलियारों से ये खबर आ रही है कि करण जौहर और सलमान खान के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी ठंडे बस्से में चली गई है। लेकिन अक्षय कुमार ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए अपने फैंस को कंफर्म किया है कि फिल्म बन रही है। गौरतलब है कि इस बार फिल्म का नाम बैटल ऑफ सारागढ़ी से बदलकर केसर रखा जा रहा है। हालांकि भाजपा के केसरिया रंग की वजह से लोग इसे बीजेपी से जोड़कर भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दे रही थी। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फिल्म का बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।